ये बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप मिल्क पाउडर। ये हमने 2 कप बराबर मिल्क पाउडर लिया है और 1 कप मिल्क पाउडर का आधा हमने मैदा लिया है और आधा कप हमने मिल्क लिया है और इलायची पाउडर लिया है और 4 इलायची लिया है। थोड़ा सा ये स्पून का 1/4 हमने बेकिंग पाउडर लिया है और थोड़ा सा चिटकी भर हमने बेकिंग सोडा लिया है। 2 कप शुगर लिया है चाशनी के लिए और ये स्पून से 4 स्पून हमने घी लिया है। ये घर में बनी हुई देसी घी है। इस घी का वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं। आप चाहे तो इसमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब बनाना हम जामुन बनाना हम शुरू। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक कढ़ाई ले लिया है और उसको कढ़ाई को गैस पर रखकर ऑन कर दिया है और इसमें हम 2 कटोरी शुगर ऐड करेंगे और उसमें 1 कटोरी हम पानी डालेंगे। ये थोड़ा गर्म पानी है, इससे जल्दी ही हमारी चाशनी बन जाएगी और इसको हम चलाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हमको चाशनी बनाना है, इसको कंटिन्यूस चलाना है। इसकी शुगर इसमें मेल्ट होने तक कंटिन्यूस चलाना है और इसकी चाशनी बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी शुगर मेल्ट हो रही है और इसको हम इसकी चाशनी बना लेंगे और इसमें हम ये इलायची जो लिए हैं इसमें डाल देंगे। इसको और कंटिन्यूस चलाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़े से 2 बूंद नींबू का रस ऐड कर देंगे, नहीं तो ये हमारी शुगर जम जाएगी। नींबू का रस ऐड करने से हमारी शुगर नहीं जमेगी और हमारी अच्छी चाशनी बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छी चाशनी बन रही है। और थोड़े से ही हम ना, बहुत गाढ़ी और ये बनाने का नहीं है चाशनी, थोड़ा सा ही ऐसा तार आ जाए तो बस। अब एक थोड़ा 2 मिनट में हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी चाशनी बन रही है। अब 2 मिनट में ये चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी, हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी तैयार है और देखिए एक ही तार बना हुआ है। अब हमारे इसे पूरी चाशनी तैयार है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करने ढककर रख देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम जामुन का डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम ये मिल्क पाउडर इस बाउल में डाल देंगे और ये मिल्क पाउडर इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी इलायची भी इसमें ऐड कर देंगे और जो घी लिया है हमने इसमें ऐड कर देंगे और जो दूध लिया है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे। पहले इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको दूध को ऐड करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा आपको भी ऐड करना है और उसका सॉफ्ट डो बनाना है। ऐसे अच्छे रेसिपी पाने के लिए हमारा चैनल रुफिया का किचन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, जो हमने बेकिंग पाउडर लिया है और इसमें मैदे में हम ऐड कर देंगे और जो बेकिंग सोडा लिया है उसे भी थोड़ा इसमें ऐड कर देंगे। ऐसा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। मिल्क पाउडर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके इसका हम डो, अच्छा सा डो बना लेंगे। सॉफ्ट डो बनाना चाहिए ये, विथआउट मावा अच्छे से जामुन आप घर में ही मिल्क पाउडर यूज करके बना सकते हैं और ये बहुत टेस्टी भी होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट हो रहा है। इसमें बचा हुआ मैदा भी हम ऐड कर लेंगे और उसका अच्छा डो बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो तैयार है और कितना सॉफ्ट बना है। इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो अब तैयार है। हम थोड़ा थोड़ा कर कर लेकर उसके जामुन बनाएंगे। देखिए कितने सॉफ्ट और अच्छे हमारे जामुन बन रहे हैं। ऐसा आप मसल मसल कर अच्छे जामुन बनाइए, इससे मिल्क पाउडर से बहुत टेस्टी जामुन बनते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ऐसे जामुन आपको बनाना है। ये बहुत टेस्टी भी होते हैं और हमारा कंटेंट पूरा अच्छा करेक्ट बना है। देखिए ऐसे जामुन हम बना बना कर पूरे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे जामुन बना लिए हैं, अब इसको हम तेल में फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम ये जामुन इसमें फ्राई करेंगे। एक एक करके जामुन इसमें हम डालते जाएंगे। पहले आपको जामुन को लो फ्लेम पर फ्राई करना है, बाद में मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इससे क्या होंगे, आपके जामुन पूरे अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएंगे और कच्चापन नहीं रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जामुन फ्राई हो रहे हैं। इनको ज्यादा धीमी आंच पर ही पकाइए, क्योंकि ये अंदर तक पकना चाहिए, नहीं तो हमारे जामुन कच्चे रह जाएंगे। हम पहले इसे लो फ्लेम पर ही पका रहे हैं, बाद में मीडियम फ्लेम रख देंगे। देखिए कैसे हमारे जामुन फ्राई हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जामुन अभी फ्राई हो चुके हैं और कितने खूबसूरत कलर आ चुके हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जामुन अब पूरी तरह से तैयार है और चाशनी भी तैयार है। अब हमने जामुन एक बाउल में ले चुके हैं और चाशनी इस पर हम डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कितने खूबसूरत जामुन तैयार हुए हैं और उस पर हम चाशनी डाल देंगे और इसमें इसको हम आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जामुन तैयार हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने सॉफ्ट हो गए हैं आप देखिए। एक जामुन हम निकाल कर आपको दिखाएंगे। देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं और अंदर से पक गए हैं। आप भी ऐसे जामुन घर में बनाइए और बच्चों को खिलाइए। ऐसे अच्छे रेसिपी पाने के लिए रूफिया का किचन सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा हमको सपोर्ट कीजिए। हम अच्छे अच्छे देसी रेसिपीज लाएंगे और आपको दिखाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, गुड डे।